रसोई में ऐसी कई चीजें होती हैं जिनका उपयोग तंत्र मंत्र व ज्योतिष उपायों में किया जाता है। ऐसी ही एक चीज है छोटी इलायची। छोटी इलायची अपनी खुशबू के लिए जानी जाती है, लेकिन किचन में मसालों के तौर पर इस्तेमाल होने वाली छोटी इलायची न सिर्फ खाने को दुगना स्वादिष्ट बनाती है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी इसका विशेष महत्व है। छोटी इलायची के उपायों से जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों को कम किया जा सकता है। इलायची के कुछ टोटके आपको जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं और आपको कामयाबी के शिखर तक पहुंचा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इलायची के जरिए अपनी किस्मत को पलट सकते हैं और दरिद्रता दूर करने से लेकर मनचाहा प्रमोशन पा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका स्टोर हाउस रास्तों प्रयागराज से। मित्रों, अगर आप आर्थिक संकट से परेशान हैं, पैसे आते तो हैं लेकिन पास में टिकते नहीं, तो अपने पर्स में या जहां भी आप पैसे रखते हैं वहां पर 5 हरी इलायची रखें। ऐसा करने पर आय में वृद्धि होती है और पैसे कम खर्च होते हैं। दरिद्रता दूर करने के लिए किसी भी दरिद्र, असहाय या किन्नर को 1 सिक्का दान करें, साथ ही उसे हरी इलायची खिलाएं। माना जाता है कि ऐसा नियमित तौर पर करने से घर से दरिद्रता दूर जाती है। नौकरी में प्रमोशन के लिए क्या करें? अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज, अगर आप जो जातक पहली बार हमारे चैनल पे हैं, वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, और कमेंट बॉक्स में जय सी आराम। तो आइए वापस आते हैं, नौकरी में प्रमोशन के लिए क्या करें उपाय। नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो एक हरे कपड़े में इलायची को बांधकर रात में तकिए के नीचे रख दीजिए, फिर प्रातः उठकर किसी भी व्यक्ति को दे दीजिए। इससे आपको प्रमोशन की संभावनाएं और मजबूत होंगी। इलायची का प्रयोग और कहां प्रयोग होता है, किस चीज में? शुक्र को मजबूत करने के लिए। यदि आपका शुक्र कमजोर है, अगर शुक्र कमजोर है तो आपको धन से संबंधित समस्याएं होंगी, दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं आएंगी। यूरिन इन्फेक्शन, शुगर, इसका कारण शुक्र ग्रह ही है। तो क्या करें शुक्र का उपाय? 1 लोटा जल में 2 इलायची डालकर आधा जल होने तक उबालें। अब इस पानी में मिला लें और फिर स्नान करें। इस उपाय से शुक्र को मजबूती मिलेगी। शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करें? यदि आप विवाह योग्य हैं और विवाह में देरी हो रही है तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को 2 हरी इलायची के साथ 5 प्रकार की मिठाई मंदिर में चढ़ा दें। इससे जल्द ही रिश्ते अच्छे आने लगेंगे। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को सूर्यास्त से ठीक आधा घंटा पहले बड़ के पत्ते पर 5 अलग अलग प्रकार की मिठाइयां और 2 छोटी इलायची पीपल के वृक्ष के नीचे श्रद्धा भाव से रखाएं। साथ ही परीक्षा में सफल होने के लिए प्रार्थना करें। लगातार 3 गुरुवार तक ये उपाय करने से आपको अवश्य लाभ होगा। मित्रों, यदि आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं, तो दिए नंबर पर कॉल कीजिए, समय लीजिए, फिर विस्तार से चर्चा, और ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत धन्यवाद। जय सियाराम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।